तो स्वागत है आपका पाठशाला में। हमने जो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी शुरू किया था ना वो टॉपिक, तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता रहता है तो क्या होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है वो कम पड़ने लगता है, और प्रोमिनेंट फोर्स कौन बन जाता है? रिपल्सिव फोर्स, दैट इज़ पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब आपको पता है 118 मतलब हार्डली हमारे पास नेचर में 120 एटॉमिक नंबर तक का ही मतलब एलिमेंट अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि वो साइज इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लोग आपस में जो पॉजिटिव चार्ज इतना रिपल कर लेते हैं कि कुछ पार्टिकल उसमें से बाहर आ जाता है। तो उसी चीज़ को हम जो जिस तरह जो मतलब बड़े बड़े न्यूक्लियस या फिर वो जो पार्टिकल में से इस तरह निकलता है उनको हम रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं। और मैंने बताया था उसके अंदर में से जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसके हिसाब से हमने तीन मतलब डीके में डिवाइड किया था, अल्फा बीटा एंड गामा। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, डन है क्या? तो फर्स्ट हम देखेंगे अल्फा डीके। तो मैंने बताया था इसमें से हीलियम पार्टिकल निकलता है, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे। व्हेन आ रेडियो एक्टिव मटेरियल मटेरियल मटेरियल्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट टूटता है, डिसइंटीग्रेट इनटू हीलियम न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट एंड एमिट और बाहर निकालता है। जब कोई एक मटेरियल का न्यूक्लियस टूटता है और बाहर निकालता है हीलियम न्यूक्लियस को, तो इस तरह के डिके को, दिस टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड अल्फा डीके। अब ये अल्फा डीके समझने में काफ़ी इजी होता है, ठीक है? और आपको जो एग्जांपल के लिए दिया गया है, आपके बुक में भी एग्जांपल यही चीज़ का दिया है, दैट इज़ यूरेनियम-238 का। सो यूरेनियम-238, इसका एनी हो आपको पता है कितने प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स होते हैं इसमें, दैट इज़ इसका नंबर। तो जब भी इसमें से निकल जाता है हीलियम न्यूक्लियस तो कुछ ऐसा बन जाता है, थोरियम-90 और यहाँ पे एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर, ना ना ना, हीलियम पे दो होते हैं फिर उसका मास चार होते हैं तो बोलने ज़रूरत नहीं है ना। और ओके, सो यहाँ पे इसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अल्फा डीके यूरेनियम में से ही हो, किसी से भी हो सकता है ये चीज़, ना कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल अल्फा डीके कर सकता है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला आता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला जो कि मतलब रेडियो एक्टिविटी में सबसे ईजी फॉर्मूला आता है। तो हम बोलते हैं कोई भी एक्स मटेरियल जिसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जेड है या फिर इलेक्ट्रॉन जेड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जेड है, पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से जेड लिखा था, याद है ना, न्यूट्रल करने के लिए, और एटॉमिक नंबर ए है। अगर इसमें अल्फा डीके होता है, अगर इसमें अल्फा डीके होता है तो फॉर श्योर उसमें से कौन निकला होगा? हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल गया होगा। और अगर हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकला है तो यहाँ पे जो नया मटेरियल बनेगा, दैट इज मटेरियल का नाम क्या है, इसके जेड के हिसाब से गिरता है, वो तो बताया ना आप लोगों को। जो नया मटेरियल बनेगा उस जेड में से दो तो ये लेके चले जाएगा, दैट इज़ जेड माइनस टू करोगे यहाँ पे तुम, और इस एटॉमिक मास में से कितना, ए माइनस फोर, ना क्या, ए माइनस फोर। तो ए बनता है हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला। ओके, अभी अगर क्वेश्चन यहाँ पे ए उठता है तो इसमें से एनर्जी किस में ज़्यादा रहेगा? तो अगर मैं आपको पिक्टोरिकली समझाऊँ इसको, ए इतना बड़ा न्यूक्लियस था, इसका इतना बड़ा न्यूक्लियस पल्ले पड़ा ना, इतना बड़ा न्यूक्लियस, ए न्यूक्लियस का साइज़ है, इसके अंदर दोनों हैं पॉजिटिव एंड न्यूट्रल दोनों हैं। फिर जो थोरियम बना, थोरियम का क्या हो गया, और थोड़ा छोटा साइज़ हो गया, और हीलियम तो बहुत छोटा है, यानी कि हीलियम तो हम बना ही सकते हैं ऐसे करके। अभी तो आपको याद होगा ना कि मेरे ब्लू वाले क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और ये लाल वाले न्यूट्रॉन्स, और ये थोरियम। तो आप देख सकते हो कि इसमें बाइंडिंग एनर्जी कम था, इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा। तो इस केस में क्या होता है, एनर्जी निकलता है। अब हमने मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट, उसी मास डिफेक्ट को एनर्जी के हिसाब से हम कह सकते हैं, मास में मास लॉस्ट हो गया, मतलब क्या है, आइंस्टाइन के हिसाब से मास ही एनर्जी है, तो मास जो लॉस्ट हुआ वो एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हुआ, डन है क्या? उसी को हम बोलते थे बाइंडिंग एनर्जी। क्यों बाइंडिंग एनर्जी बोलते थे, क्योंकि भाई ये जो एनर्जी लॉस्ट हो गया, जो मास था वो लॉस्ट हो गया, मतलब एनर्जी लॉस्ट हो गया, तो वही लॉस ऑफ मास ही इनको अट्रैक्ट करके रखता है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि एनर्जी रिलीज्ड कितना हुआ होगा, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस अल्फा डीके, तो याद है ना आइंस्टाइन को फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू
कितना मास में चेंज हुआ, MC²। हियर चेंज इन मास, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी में कितना चेंज हुआ, बोलने का जरूरत है क्या? फिर कैसे निकालते हैं इसको? इनिशियली कितना था, इनिशियली मास कितना था, इनिशियली मास ऑफ दिस एक्स पार्टिकल, इसका मास माइनस ये दो, फाइनली ये दो बन गए ना, तो इनका मास को एडअप कर लेना है, मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम। डन, इनको मास को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास डेल्टा मास आ जाएगा, उसको यहाँ पे डालोगे, सी से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना एनर्जी यहाँ से निकलता है। क्या बात ही क्लियर है? तो ये बेसिकली अल्फा डीके है। इसमें नोट करने वाला बात क्या है, जब भी इस तरह का डीके होगा तो हीलियम न्यूक्लियस उसमें से निकलेगा। डन है, ओके। तो आपने जितना भी अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, वो सब में इसी तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल से उन्होंने किया था। डन है क्या? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे बीटा डीके की। तो बीटा डीके थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।